क्योंकि बड़े लंबे समय से हम बीजेपी और कांग्रेस की जो नीतियां रही हैं उनमें से बहुत हम थक चुके हैं। मैं अभी आपके गांव में आ रहा था तो जो सड़कों का हाल मैंने देखा, आप देखो कितनी टूटी हुई सड़कें हैं इधर। मेरा तो ख्याल कुछ किसी लीडर ने आपके गांव में कभी आया नहीं, कभी पैर ही नहीं पाया आपके गांव में। सो पंजाब के लोगों ने 2022 में बहुत बदलाव के लिए वोट डाला था। इससे पहले दो बार, रादर तीन बार अरविंद केजरीवाल साहब दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं और दिल्ली के हालात भी ऐसे ही थे पहले जैसे हरियाणा के। तो दिल्ली में उन्होंने बिजली फ्री की, पानी फ्री किया, स्कूल अच्छे किए और एक गरीब आदमी का बच्चा, एक दिहाड़ीदार का बच्चा और एक डीसी का बच्चा एक पर पढ़ने लगा दिए उन्होंने। सो बहुत अच्छे काम जो दिल्ली में किए थे वो लेकर हम पंजाब में गए और पंजाब में से हमें 117 में से 92 सीटें मिली। बहुत बड़ी बात थी, इतनी बड़ी, इतनी ज़्यादा सीटें कभी भी पंजाब से नहीं आई थी। तो हमने 2-2.5 साल में पंजाब में बहुत अच्छे काम किए। पंजाब में अब जब सरकार बनी थी सरदार भगवंत सिंह मान साहब की, तो तब से हमने सिर्फ 3 महीने में 600 यूनिट बिजली जो है वो फ्री कर दी थी, सिर्फ सरकार बनने के 3 महीने के बाद। तो आपको बिजली फ्री मिलती है क्या? मिलती है? कोई बिजली फ्री मिलती है ये तो? नहीं ना मिलती है। तो चाहिए हम, चाहिए हमको बिजली मिलनी चाहिए ना 600 यूनिट जैसे पंजाब में मिलती है, चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। तो फिर एक ही रास्ता है, वो रास्ता है झाड़ू का बटन दबाने का, आम आदमी पार्टी को जिताने का। पंजाब में हमने मोहल्ला क्लिनिक, लगभग 1000 मोहल्ला क्लिनिक दे दिए, स्कूल अच्छे कर दिए, स्कूल ऑफ एम्बुलेंस अपना दिए। 45,000 से ज्यादा रेगुलर नौकरी हमारे माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने सिर्फ 2.5 साल में दिए, 45,000 से ज्यादा नौकरी, कोई छोटी बात नहीं है। और हमने पावर के क्षेत्र में, ये बिजली के क्षेत्र में इतना काम किया, कोई बिजली कट नहीं रखता लोगों को और किसानों को। किसानों को वहाँ पर बिजली 100% फ्री मिलती है और 24 घंटे मिलती है। पहले वाले आते थे लोगों को कुछ भी नहीं देते थे, अपनी प्रॉपर्ट से जो है वो मार्केट प्लेस और फिर वो नाले लगाने वाले रहे। तो इस बार जैसे पंजाब के लोगों ने बदलाव किया है और बिजली फ्री की, हेल्थ फैसिलिटी, स्कूल भी अच्छे थे, इसीलिए आपको भी मैं निवेदन करता हूँ कि आप भी इस बार जो 5 अक्टूबर को चुनाव हो रहा है उसमें आप झाड़ू का बटन दबाइए और एक मौका जो है वो अपनी लाल, वो हमारे आपके लाल है केजरीवाल, जानते हो ना, सभी आपके बेटे हैं, आपके हरियाणा के हैं। तो दिल्ली वालों ने उनको बना दिया था, अब आपकी जिम्मेदारी है, आप भी उनकी पार्टी को हरियाणा में लेकर आए और जहां पर भी जो सहूलतें पंजाब और दिल्ली में मिल रही है वो आपको भी मिल पाए। सो मैं आपका बहुत आभारी हूँ, आपने प्यार दिया। मैं आपके एकदम पहले भी 2-3 दिन से ढूंढा हूँ, तो आज भी मैं डॉक्टर रजनीश जैन के साथ बाजार में था, तो बहुत लोग आज आम आदमी पार्टी के साथ है। आप लोगों ने बहुत मेहनत की हुई है, बहुत मेहनत की हुई है। डांडा साहब भी प्रोफेशन, बाय प्रोफेशन ही एक टीचर, इन्होंने कई लोगों को यहाँ पर शिक्षा दी होगी, पढ़ाया होगा और आप इनकी बारी पंजाब हरियाणा विधानसभा में है और जब से हरियाणा विधानसभा में आप भेजोगे तो आपके हरियाणा जीत इलाके के लिए ये अच्छी तरह से काम करेंगे और अपनी जो सभी समस्या आपकी है, जो आपके इशू है, वो हरियाणा विधानसभा में उठाएंगे। ये मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ। तो आप आपका बहुत आपने ऐसा सोचना है कि जिधर मैं वोट पाऊंगा, जिसको मैं वोट दूंगा वही आदमी जीतने वाला। तो एक वोट कीमती का मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। 2008 में राजस्थान में चुनाव हुआ था,
वहां पर सीपी जोशी थे, वो कांग्रेस के जो महान थे और एमएलए का तमाम भी लड़ रहे थे। तो जब रिजल्ट आया तो वहां पर कांग्रेस जीत गई। तो सीपी जोशी जो थे, जो प्रधान थे, वो सीएम के कैंडिडेट भी थे, लेकिन वो अपना चुनाव हार गए। अपना चुनाव कैसे हार गए? सिर्फ कितनी वोटों से? सिर्फ एक वोट से वो अपना चुनाव हार गए थे। एक वोट से वो एमएलए नहीं बन पाए और एक वोट के वो चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाए। एक वोट की इतनी कीमत होती है। तो आपके पास एक एक चीफ की वोट है, अपना वोट अदाई नहीं होना है। तो डंडा साहब को 5 अक्टूबर को आपने वोट देना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।